सावन मास में शिवरात्रि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन मास में शिवरात्रि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से ही ये प्रसन्न बड़े हो जाएं, जल अभिषेक तो करते हैं, इन्हें कब से चली प्रथा है। वेदों में वर्णित मिलती इसकी भी एक कथा है। सागर मंथन दैत्यों और देवताओं ने जब करवाया, सबसे पहले कालकूट विष निकल के उससे आया। भोलेनाथ की शरण में फिर तो सभी देवता आए, कालकूट विष भोले के हाथों में दिया थमाए। देवों की विनती पर सारा विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष भोलेनाथ ने कंठ में थाम लिया है, जिसके कारण कंठ भी उनका नीला पड़ गया है। इसीलिए तो नील कंठ भी भोले को कहा जाता। कालकूट विष कंठ में भी है अपना असर दिखाता। भोलेनाथ के कंठ को भी जब विष ने झुलसाया, शीतल जल फिर गंगा जी का सब देवों ने चढ़ाया। गंगा जी के शीतल जल का ऐसा असर हुआ, कालकूट विष ने बेचैन न भोले जी को किया। भोलेनाथ को गंगा जल इसलिए चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पान किया, कहते हैं कि भक्तों था वो महीना सावन का। गंगा जल को चढ़ाने की ये प्रथा है तब से चली। शांति गंगा जल के जल से ही तो शिव को मिली। विपदा में थी सृष्टि तो किया भोले ने विष पान, इसीलिए तो सब देवों में कहते इन्हें महान। कावड़ में गंगा जल भर के परशुराम भी लाए, आओ भक्तों
इसकी भी हम अब तुम्हें कथा सुनाएं। कहते हैं कि पहली कावड़ वो ही लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि जमदग्नि और रेणुका पति पत्नी कहलाए, कजरी वन में करने तपस्या दोनों ही है आए। ऋषि जमदग्नि और रेणुका की है पांच संतान, रुमणवान सुषेण वह विश्वा बहु परशुराम। एक बार ऋषि जमदग्नि को काम है कुछ आया, पत्नी रेणुका को है उन्होंने अपने पास बुलाया। बोले देवी कुछ समय के लिए हमको है बाहर जाना, आ जाए कोई अतिथि तो उसको भोजन करवाना। इतना कहकर जमदग्नि ऋषि तो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि जमदग्नि करते थे अतिथि सत्कार, उनकी पत्नी रेणुका के भी ऐसे ही नेक विचार। ऋषि जमदग्नि को जो पड़ा आश्रम से बाहर जाना, बोले रेणुका तुम अतिथि सत्कार को नहीं बुलाना। कहने लगी रेणुका ऋषिवर जैसी आपकी आज्ञा, आपका जो आदेश है उसकी होगी नहीं अवज्ञा। हो करके निश्चिंत ऋषि जमदग्नि चले आए, सहस्त्र बाहु नामक राजा फिर वन में आ जाए। और साथ में बहुत सी सेना लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सहस्त्र बाहु तो खेल रहे थे शिकार, देख आश्रम जमदग्नि का मन में किया विचार। कौन ऋषि का आश्रम है ये जंगल है सुनसान, क्यों ना चलकर इस आश्रम में किया जाए जलपान। सेना सहित राजा सहस्त्र बाहु कुटिया में चले आए, देखा आश्रम जमदग्नि का बड़े ही हर्षाए। रेणुका ने जब देखा है कि कोई अतिथि आया है, सहस्त्र बाहु ने ऋषि पत्नी को शीश झुकाया है। बोले के जलपान भी हम यहाँ करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा
का जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा को उन्होंने है जलपान कराया, जैसा भोजन रेणुका ने राजा को खिलाया है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अब तक ना खाया है। सहस्त्रबाहु ने रेणुका से फिर एक ही प्रश्न किया है, ऐसे स्वादिष्ट भोजन का हमें बताओ रहस्य क्या है। सुनकर प्रश्न सहस्त्रबाहु को रेणुका लगी कहने, कामधेनु गायें बांधी है आश्रम में हमने, जो कुछ भी हम चाहें इससे वो ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महल में मन में सोचा है, ऋषि पत्नी से बोला हमको काम धेनु चाहिए, बोली रेणु का संभव नहीं ये लौट आप जाइए। फिर तो राजा सहस्त्रबाहु ने अपना बल आजमाया, अपने सब सैनिकों को उसने अपने पास बुलाया, काम धेनु को देश दिया, किंतु कोई भी सैनिक इसमें सफल है नहीं हुआ। सब मिलकर भी कामधेनु ले जाना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सहस्त्रबाहु जब ले जाना पाए, बलपूर्वक वो रेणुका को ही हर के ले जाए। ऋषि जमदग्नि आश्रम में जब वापस आए हैं, अपनी पत्नी रेणुका को ना कुटिया में पाए हैं, जान न पाए उनके साथ में हादसा कोई हुआ है। सहस्त्रबाहु राजा उन्हें हर के ले गया है, सहस्त्रबाहु जब राजा महल में रेणुका को लाया, महारानी ने विनती करके उनको छुड़वाया, उनके सैनिक वापस वन में छोड़ ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
घटना ऋषि जमदग्नि को भी बताई है, किंतु ऋषि जमदग्नि उन पर क्रोधित बड़े हुए। मिथ्या वचन है रेणुका के वो मन में सोच रहे। बोले ऋषि जमदग्नि तुमको अब ना हम अपनाए, लांघी है मर्यादा तुमने बड़े कटु वचन है सुनाए। बोली रेणुका आपको छोड़ के ना मैं कहीं जाऊंगी, दे दो मृत्यु दंड आपके हाथों से मैं मर जाऊंगी। ऋषि जमदग्नि फिर अपने पुत्रों को बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने लगे अपनी ही माता की हत्या हम नहीं कर सकते। इतना सुनकर जमदग्नि को क्रोध बड़ा आया, क्रोधित होकर पत्थर का उन चारों को है बनाया। ऋषि जमदग्नि परशुराम को फिर तो बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज्ञा का पालन भी करें। परशुराम फिर माँ के शीश को काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गवाए मुनि नारद
का परशुराम ने फिर तो ध्यान लगाया। नंगे पांव चल कर के परशुराम गंगोत्री जाए, भर के कावड़ गंगा जल में पूरा महादेव बोलाए। पहली कावड़ परशुराम ही भक्तों लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। प्रसन्न बड़े ही परशुराम की भक्ति से भोले हुए, साक्षात दर्शन आ करके परशुराम को दिए। और सिद्धियां जितनी परशुराम गवाई है, भोलेनाथ की कृपा से सब वापस पाई है। प्राण भी उनकी माता के हैं वापस लौटाए, ऋषि जमदग्नि अपनी भूल पर फिर तो पछताए। एक फरसा भी परशुराम को भोलेनाथ ने दिया है, जिस फरसे से क्षत्रियों का वध उन्होंने कर दिया है। पापी क्षत्रियों के वो अत्याचार मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परशुराम जहाँ पहली कावड़ लेकर हैं आए, परशुरामेश्वरम के नाम से जगह वो जानी जाए। पूरा महादेव कहते हैं जहाँ कावड़ पहली चढ़ाई, अपनी सारी सिद्धियाँ भी तब परशुराम ने पाई। कावड़ लाने की प्रथा ये तब से चली आई है, सावन मास की कथा ये भक्तों हमने सुनाई है। पावन मास बड़ा ही भक्तों होता है सावन, भोलेनाथ को नमन करे सदा हंस राज रेलहन। फोजिश्वेश से सभी कथाएं जो लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को गंगा जल क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।